उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन ने नरवर शासकीय महाविद्यालय में धीरज गुप्ता को जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। महाविद्यालय में अध्यक्ष पद संभालते ही धीरज गुप्ता ने नरवर महाविद्यालय में अध्ययनरत 278 छात्र छात्राओं के हित में कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में रमेश खटीक, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य संदीप महेश्वरी एवं नरवर नगर परिषद अध्यक्ष पद्मा बिसनी के साथ वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। मुझे ये आज मेरा पदभार ग्रहण रहा है और मेरी प्रमुख तीन जिम्मेदारियां जो मुझे चुनौती के रूप में हैं, जिन्हें मुझे पूरा करना है, मेरी सबसे प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, उनमें यहाँ कक्ष की कमी है कॉलेज में, कक्ष निर्माण की, कॉलेज की बाउंड्री वॉल नहीं है, उस कॉलेज की बाउंड्री वॉल के लिए प्रयास करना, साथ ही यहाँ तक आने का जो रास्ता है वो बहुत ही जर्जर अवस्था में है, तो उसकी प्राथमिकता करना है। कॉलेज अभी हमें महसूस भी नहीं होता था कि नरवर में कॉलेज है। मैं धीरज गुप्ता जी से कहूंगा कि जहां भी हम सबकी भी जरूरत पड़े, इस कॉलेज को इस शिवपुरी जिले का एक सबसे बेहतर कॉलेज बनाने के लिए हमें काम करना है। नगर परिषद की अध्यक्ष महोदय भी यहां बैठी है, मैं उनसे कहूंगा कि जहां भी जरूरत पड़े नरवर के विकास के लिए, इस कॉलेज के विकास के लिए अपनी जहां भी जरूरत पड़े, इसमें हम कदम से कदम मिलाकर हमें साथ देना है। हमारे राज्य मंत्री जी रमेश कटीक जी और हमारे साथ में हमारे इस नरवर को सौभाग्य प्राप्त करके दो दो तीन तीन मंत्री हमारे बीच में हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि मौनी सागर सड़क के लिए अभी हमारे सिंचाई मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी शिवपुरिया आए थे, उसके पहले मैं भोपाल में भी उनसे मिला था और अभी आने के बाद उन्होंने पूरी ताकत से पूरे जोर से इस सड़क को बनाने के लिए पूरे अधिकारियों की अच्छे से खिंचाई की।